नमस्कार दोस्तों, मैं बॉक्सिंग पटेल द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस कड़ी में प्लमूरिया अल्बा या चंपा के पौधों को ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन सी मेथड अपनाई जाती है जिससे कि हमारा ग्राफ्टिंग का सक्सेस जो रेट है वो बहुत अच्छा रहे और हमारा जितना ग्राफ्टिंग किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो। मित्रों, जो चंपा के पौधे होते हैं वो कई वेराइटियों में होते हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने में अलग अलग वेराइटियाँ पाई जाती है, जिसको कि आजकल ग्राफ्टिंग की तकनीक से हम किसी भी मौसम में कहीं पे भी भारत में कहीं पे भी इसको ग्राफ्टिंग या उगा सकते हैं और मन चाहे कलर पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये लाल कलर की चंपा का पौधा है, क्योंकि प्लमूरिया बहुत कम ही लोग जानते हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तान में चंपा के पौधों के नाम से ही इसको पहचानते हैं। ये लाल कलर का चंपा हो गया, इसी का यदि देखें तो ये हो गया आपका पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का, और ये प्लमूरिया अल्बा की वैरायटी है, ये हो गया आपका सफ़ेद कलर का जिसमें हल्का सा पीला डॉट अंदर है, और ये हो गया वेरीगेटेड अल्बा। ये देखिए, इसमें एक ही फूल में चार पांच शेड अलग अलग है, जिसको बहुत ही खूबसूरत फूल लगता है ये जब हमारा पूरा चंपा खिल जाता है उसके बाद। अब इसमें मित्रों क्या होता है कि चंपा में इसकी पहचान कैसे की जाए, यदि मान लो फूल पे पौधा हो तभी हम पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी वैरायटियां हैं, लेकिन वेरीगेटेड को तो आप देख के पहचान सकते हैं कि इसके पत्ते वेरीगेटेड होते हैं। लाल चंपा में क्या होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं तिकोने होते हैं, ये देखिए ये तीखे पत्ते होते हैं, तो ये लाल चंपा हो जाएगा रूबरा। इसमें ब्लैक रूबरा भी आता है जिसमें पत्ते थोड़े से ब्लैक होते हैं, लेकिन शेप यही होता है, थोड़ा सा डार्क ब्लैक होते हैं, ग्रीन डार्क ब्लैक हो जाते हैं और ये तीखा तिकोना हो जाता है। अल्बा में देखें तो अल्बा में पत्ते का शेप अलग होता है, थोड़ा सा गोल पत्ता रहता है, यहाँ से ये इसकी पहचान होती है कि अल्बा है। मित्रों, अल्बा का जो वैरायटी है जिसे प्लमूरिया अल्बा हो गया, तो इसमें जो वाइट कलर की जो वैरायटी है इसमें पत्ते कम गिरते हैं और लाल कलर की वैरायटी में पत्ते एक टाइम पे पतझड़ हो जाता है और सिर्फ पौधे पे डंठल ही रहता है और ऊपर फूल रहता है। तो मित्रों, मैं ये प्लमूरिया अल्बा की वाइट वाली वैरायटी जो है इस पर दो तीन वैरायटी की ग्राफ्टिंग बताता हूँ आपको, चलिए देखते हैं। और ग्राफ्टिंग के करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि ग्राफ्टिंग का जो सही टाइम होगा वो जून महीने का फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक कर सकते हैं, बारिश से पहले पहले। उसके बाद में हम करेंगे फरवरी लास्ट में जब पतझड़ ख़त्म होता है और मार्च में जब पत्ते नए आना शुरू होते हैं चंपा में, उस समय पर हम लोग ग्राफ्टिंग का काम करेंगे। ग्राफ्टिंग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में अभी हम बताते हैं। सबसे पहले हमें एक पौधे का चयन करना है जिस पे हमको ग्राफ्टिंग करना है। अब ये देखिए मित्रों, ये जो मैंने पौधा लिया है ये सफ़ेद वाला चंपा है। सफ़ेद चंपा पे हम लाल और गुलाबी और वेरीगेटेड को ग्राफ्ट करेंगे। अब हमने जो चयन करना है वो तीन चार जैसे डंडे निकले हुए होना चाहिए, और डंडे का जो मोटाई है जो हमारी ग्राफ्टिंग की कलम लेंगे उसके बराबर ही होना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से उसमें ग्राफ्ट हो सके, फिट हो सके। तो ये हमने तीन डंडे का एक पौधा लिया, आप चाहें तो चार डंडे का ले सकते हैं, पांच डंडे का ले सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कितने कलर इसमें ग्राफ्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको ग्राफ्टिंग तैयार करने के लिए इसकी कटिंग करना पड़ेगी, तो हम बता दें कि कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले कटर के माध्यम से हमको जहाँ से ग्राफ्ट करना है उसकी यहाँ से एक कटिंग ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये एक कटिंग यहाँ से ले लेंगे। इसको भी जो है मैंने वी ग्राफ्टिंग से ही काम कर रहे हैं इस पर भी, और एक जो ये जो एक और जो ग्राफ्टिंग के लिए डंडा बचा है इस पर जो है एक नई तकनीक के बारे में अपन चर्चा करके ग्राफ्ट करेंगे। हमने वी बना लिया है और वी बनाने के बाद में वैसे एक चीरा लगाना है, ये कट बनाया और कट को जो है इस तरह से हम लोग ये चंपा का ये वाला गुलाबी वाला ग्राफ्ट जो है अल्बा पिंक वाला इसमें हमने लगा दिया है, और उसको भी हम लोग टेप की मदद से ग्राफ्टिंग टेप की मदद से पैक कर देंगे।
बस इसको वही तकनीक हमको करना है कि थोड़ा टाइट बांधना पड़ेगा, ताकि क्या है कि इसमें पानी नहीं जाए और दूसरा हवा नहीं जा पाए दूसरी, और ये एयर टाइट रहे बढ़िया। ये दोनों जोड़ गए। अब मैं जिस विधि के बारे में बात कर रहा था उसको मैं बताऊंगा आपको, कि सबसे पहले तो इसको हम लोग जो अच्छे से बना लेंगे, और इसमें ये वेरीगेटेड जो है फ्लावर आया है, और ये भी अच्छी वैरायटी है, ये साल भर फूल देती है। इसमें पत्ते थोड़े कमी गिरते हैं, जैसे रूबरा में गिर जाता है लाल में, इसमें नहीं गिरता है, और ये जो है खूबसूरत रहता है। इसमें गुच्छे में फूल आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे भी चंपा जो है मित्रों कम मेंटेनेंस वाली वैरायटी है, जिसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कम मेंटेनेंस में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और एक बार लगने के बाद में बहुत सारा, जब पौधा बड़ा हो जाता है और हमारे पास पानी की जब कमी हो जाती है, तो भी आप जो है इसको अच्छे तरह से सर्वाइव करा सकते हैं और फूल ले सकते हैं। और इसके जो फूल हैं भगवान शंकर को चढ़ाते हैं और सभी देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो मित्रों ये मैंने काटा है, अब इसमें जो है एक हम लंबा चीरा लगाएंगे ग्राफ्टिंग में। ये लंबा चीरा लगाया, लगभग 2-2.5 इंच का लगाया, और इसके बाद में मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, ये ऐसा ये कट कर दिया है लंबा चीरा लगाने के बाद। और ऐसे कैसे जो है हम इस पर भी एक लंबा चीरा लगाएंगे और ऐसे ही एक निशान बना के कट कर देंगे। इसको देखना पड़ेगा कि ये कितनी दूर तक गया है अगला कट, और ये मैं इसको काट देता हूँ। एक ये देखो, तो इसको जो है कट को उसके लेवल में करके, वो जितना कट है लगभग उतना ही कट हमको बनाना है। ये देखो ये ऐसा कट बनाना है, और इसको जो है हम ऐसा करके ज्वाइंट करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये मैं जब ज्वाइंट कर रहा हूँ तो इसमें गेप बन रही है। गेप कैसे बन रही है देखिए, ये गेप जो है इसलिए गेप बन रही है कि इसमें ये टिक नहीं रहा, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये अब ये जो है देखिए ये बराबर बैठ गया है, यहाँ बिल्कुल भी गैप नहीं है। इसको रखने के बाद जो है ये मैंने ग्राफ्टिंग टेप के माध्यम से इसको अच्छे टाइट थोड़ा कस दिया है, ताकि ये अच्छा फिट हो जाए। ग्राफ्टिंग में आए दिन जो है नई नई तकनीक आ रही है, और यकीन मानिए यदि हम लोग ग्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं तो हमको सभी तकनीक के बारे में जानकारी होना चाहिए और उसके टाइम पीरियड की जानकारी होना चाहिए, ताकि हम भी जो है इस तरह से ग्राफ्टिंग का काम कर सकें। अब ये तीन जो है तीन कलर के हमने ग्राफ्टिंग बना ली है, और ये जो नया डंडा निकल रहा है इसमें आगे चल के एक ग्राफ्ट और उसमें करेंगे। सारी ग्राफ्टिंग करने के बाद में जो है जितनी भी और एक्स्ट्रा पत्ती या ऐसे फूल का गुच्छा हो जाता है इसको निकाल लेना है, क्योंकि कम से कम हमको जो है इसमें वजन चाहिए। ये जो है जो ग्राफ्टिंग के ऊपर का हमने पूरा हिस्सा निकाल लिया है, एक आध आप चाहें तो नई पत्ती रहने दे सकते हैं, और बाकी हमको सारा निकाल देना है। ये देखिए, तो दोस्तों ग्राफ्टिंग की 2 तकनीक के बारे में आज हमने आपको बताया प्लमूरिया अल्बा में, और तकनीकें बहुत सारी होती है और अलग अलग पौधों में अलग अलग चीज़ों के अप्लाई करते हैं। वी ग्राफ्टिंग और जो मैंने बताया इस तरह से ग्राफ्टिंग हम कट लगा के जो आपस में जोड़ने की ग्राफ्टिंग है वो अच्छी सक्सेसफुल है, इसलिए हमने उसके बारे में आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में जो बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए द प्लांट गुरु पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। तब तक के लिए नमस्ते।